अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? नमिता भी एनडब्ल्यू फूड सीक्रेट से हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक और बड़ी ही मजेदार किस्म की चटनी। आपको पता है मार्केट में आजकल चोलिया ये बहुत भरपूर आया हुआ है। इनके फायदे आप जानते हैं कि चनों के किस कदर फायदे हैं। फुल ऑफ प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। ठीक है, कार्ब भी हमें मिलते हैं और प्रोटीन भी इनसे मिलता है, एनर्जी बहुत देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हरी मिर्चें हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, ये जरा। अच्छा, मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल में काफी होंगी, आजकल कड़वी नहीं है मिर्चें। ये मिर्चें मैंने डाल दी हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे, हसबे जायका। ठीक हो गया। ये मेरे पास धनिया और पुदीना है, 2 टेबलस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीना है। अगर आप इसमें पुदीना आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है जैसा कि गर्मी आ रही है आगे, पुदीना ठंडा होता है, धनिया भी ठंडा होता है, तो ये हम इसके साथ ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसको जो है ना बारीक पीसेंगे। जी नाज़रीन, जैसी चटनी मुझे चाहिए ये वैसी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है ना इसको ऐड करूँगी, ये जो हमारे चने हैं ना इसको हम ऐड करेंगे। मैं इसमें से हाफ डालूँगी क्योंकि मैं इसको ताज़ा ही खाना चाहती हूँ। हाफ डाल के पहले इसको थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी। अच्छा, प्याज भी इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्याज है, छोटा सा मैंने लिया, ये तकरीबन ये भी 2 टेबलस्पून होगा। इसको भी हमने दरदरा सा हमने इसको करना है, चनों को भी और इसको भी, ये भी साथ हो जाएगा। प्यारी बहनों, इस चटनी को बनाकर अपने दस्तरखान पर रखें, अफ्तार पार्टी में रखें, ये एक यूनिक चटनी होगी। ठीक है, सब लोगों को मैंने बनाते हुए ये नहीं देखा है, तो ये एक यूनिक चटनी होगी और फुल ऑफ प्रोटीन है। जी, अब बाकी के भी मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, चटनी के लिए आप जब भी खरीदे ना, आप कोशिश करें, ये निकले निकलवाए बाजार से मिल जाती हैं। ये जो चनों का आजकल छोलिया जिसको कहते हैं, मार्केट में आए हुए 50 रुपए किलो मेरे ख्याल में मिलता है, और ये निकले हुए मिल जाते हैं। आप निकले निकलवाए ले लें। ठीक है, नाज़रीन आप देख रहे होंगे इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस नॉर्मल रखना है हमने। थोड़ा सा मैं और इसको बारीक करूंगी, थोड़ा सा। जी नाज़रीन, अब मैं इसके अंदर जो है ना टमाटर, ये 2 दरमियानी साइज के मेरे पास टमाटर है जिनको मैंने छील कर छोटा छोटा काट लिया। इसको सिर्फ हम मिक्स करेंगे, इसके अंदर कूटेंगे नहीं, ताकि इसमें खट्टापन आ जाए और ज्यादा मजे की बन जाए। अच्छा प्यारी बहनों, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ और अपनी कज़न्स के साथ, बहन की हौसला अफजाई करें। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ इसके अंदर जो ना हल्का हल्का हम करेंगे। चटनी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। जी बस इतना ही हम करेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, हंसती मुस्कुराती रहें। वैसे भी मुझे पता है कि सब मुस्लिम बहनों के चेहरों पे इस वक्त बहुत नूर आ चुका है। आज माशाल्लाह से 21वां रमज़ान है और रहमतों भरा और बरकतों भरा रमज़ान जो है ना, इतने कोई मज़ेदार रोज़े हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रमज़ान है।
अल्लाह ने इतनी रहमत की है कि मौसम भी अच्छा है और फिर रहमतें भी बरस रही हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो फाइनली हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। छोलिए की चटनी, काले चने जिससे बनते हैं, ये वो ग्रीन वाले हैं जो फ्रेश इस वक्त मार्केट में मिल रही हैं। बिल्कुल आपने इतना इनको बहुत बारीक नहीं करना है, इतना ये दरदरे से होने चाहिए, उसके बाद आप टमाटर डालें। अच्छा, तो प्यारी बहन, इसमें एक चीज़, एक वेरिएशन आप और कर सकती हैं। मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, चावलों के साथ खाएं और पराठे के साथ, दोनों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो ये चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। अफ्तार पार्टी में रखें, आप यकीन करें बाकी चटनियों के साथ ये बहुत आपको मुनफरिद चटनी आपको भी मुनफरिद बना देगी। आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने कितनी ज़बरदस्त तैयारी की है अफ्तार पार्टी की। प्यारी बहनों, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपने घर वालों को खुश रखें और रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटते रहें। चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बहन की हौसला अफजाई करें। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं और आपके तावन की ज़रूरत है बहन को। इसके साथ ही मैं आज की रेसिपी मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ और नई डिश के साथ। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की ढेरों खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।